हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं पुराने पंखे के बैरिंग में ग्रीसिंग करके दिखाऊंगा, तो आप मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इन दोनों बैरिंग को मैंने अच्छे से धोकर साफ कर लिया है। मैंने इसे मिट्टी के तेल से धोया है। आप चाहें तो बैरिंग को पेट्रोल से भी धो सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, मैं इन दोनों बैरिंग में ग्रीस लगाकर आपको दिखाता हूँ कि हमें किस तरह से बैरिंग में ग्रीसिंग करना है। देखिए दोस्तों, मेरे पास अभी ये वाला ग्रीस है, तो मैं इस ग्रीस को बैरिंग में लगाकर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इस तरह से उंगली में ग्रीस को ले लेना है और फिर बैरिंग में अच्छे से दबा दबा कर सभी तरफ ग्रीस को भर देना है। बैरिंग में हमें ग्रीस लगाने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करना है दोस्तों। इसमें जितना अंदर जाएगा ग्रीस, उतना लंबे समय तक चलेगा यह बैरिंग। तो बैरिंग में इस तरह से दबा दबा कर ग्रीस को भरना है और आपको अच्छी क्वालिटी का ग्रीस लेना है। मैं जो ग्रीस अभी इसमें लगा रहा हूँ वह एक अच्छी क्वालिटी का ही ग्रीस है। आपको बैरिंग में हमेशा मोटा वाला ग्रीस ही लगाना है, पतला वाला ग्रीस बिल्कुल भी नहीं लगाना है, क्योंकि पतला वाला ग्रीस 2-4 दिन में पानी बनकर बैरिंग से निकल जाता है। तो आपको मोटा वाला ग्रीस ही लगाना है बैरिंग में, अगर आपको बैरिंग को लंबे समय तक चलाना है तो। ये देखिए दोस्तों, मैंने दोनों तरफ से अच्छे से ग्रीस को दबा दबा कर बैरिंग में भर दिया। आपको भी इसी तरह से ग्रीस को बैरिंग में अच्छे से भर लेना है। अब इस बैरिंग को 2-4 बार घुमा लेना है। अगर हम बैरिंग को इस तरह से घुमा देंगे तो ग्रीस अंदर चला जाएगा। अब चलिए दोस्तों, मैं आपको इसी तरह से दूसरे वाले बैरिंग में भी ग्रीस को लगाकर दिखाता हूँ। तो इस बैरिंग में भी हमें वैसे ही ग्रीस को भरना है जैसे हमने पहले वाले बैरिंग में ग्रीस को भरा था। ये देखिए, इसी तरह से दबा दबा कर आपको ग्रीस को बैरिंग में पूरा भर देना है। जितना भी ग्रीस अंदर जाता है उतना ग्रीस आपको बैरिंग में भर देना है। अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ दोस्तों, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको मेरा आज का यह वीडियो पसंद आता है, मेरा समझाने का तरीका पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो हमेशा अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने दोनों बैरिंग में अच्छे से ग्रीस को भर दिया। अब यह पुराना बैरिंग काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक चलेगा। तो चलिए मैं इन दोनों बैरिंग को इसमें लगा कर दिखाता हूँ। तो इसमें बैरिंग को लगाने से पहले इसमें मैं ऑयल डाल देता हूँ। ये जला हुआ मोबिल है दोस्तों, इसमें चिकनाहट ज़्यादा होता है, तो मैं इस मोबिल को दोनों बैरिंग के ढक्कन में इस तरह से लगा देता हूँ। अगर आप इस तरह से मोबिल को बैरिंग के घाट में लगा देंगे तो बैरिंग जो है वह आसानी से अंदर चला जाएगा और आपके पंखे का बॉडी नहीं टूटेगा, क्योंकि आजकल का पंखे का बॉडी काफ़ी ज़्यादा हल्का होता है, जो कि हल्का सा ठोकर लगने पर भी टूट जाता है। इसीलिए मैंने दोनों बैरिंग के घाट में मोबिल को लगा दिया है ताकि बैरिंग आसानी से अंदर चला जाए। अब चलिए मैं इस बैरिंग को यहाँ पर लगा कर दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, आपको इस पंखे के बॉडी को लकड़ी के ऊपर में रखना है और फिर इसे प्लास्टिक हथौड़ी की सहायता से इस तरह से हल्का हल्का चोट मार देना है। सभी तरफ को बराबर से चोट मारना है। आपको इसे लोहे के हथौड़ी से नहीं ठोकना है दोस्तों, नहीं तो आपके पंखे का बॉडी टूट सकता है। देखिए, बैरिंग जो है वह घाट पर अच्छे से बैठ चुका है। अब मैं इसे घुमाकर आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यह बैरिंग बिल्कुल नया जैसा हो गया। अब चलिए दूसरे वाले ढक्कन में भी मैं बैरिंग को लगाकर दिखाता हूँ। ये पंखे का नीचे वाला ढक्कन है दोस्तों, ये देखिए, इस तरह से बैरिंग को बीचों बीच रख दिया मैंने। अब मैं इसे हल्का हल्का इस तरह से ठोंक कर अंदर बिठा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये वाला बैरिंग भी अपने जगह पर बिल्कुल अच्छे से बैठ चुका है। इसी तरह से आपको दोनों ढक्कन में बैरिंग को लगाना है।